चलो 41 नंबर का एमसीक्यू। हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड है ए। इसमें से हम करंट पास करेंगे इस डायरेक्शन में, बराबर। एंड हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक्चुअली क्या है यहां पे, ये तीन मेरे पास फाइनाइट लेंथ के वायर है जिसकी साइड है ए। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं सेंटर पे। तीनों का सेम ही होगा फिर, इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसका देखते हो वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसका आप देखते हो ना वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो तीनों का फिर हम एडिशन कर देंगे, इनटू थ्री कर देंगे। तो एक का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे हम एंड इनटू थ्री कर देंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अच्छा, मेरे पास फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर म्यू नॉट आई बाय 4πr इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बराबर ना। चलो, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में म्यू नॉट आई बाय 2πr था, जब फाइनाइट लेंथ होता है ना तो बाय 2 कर देते हैं और एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट को वायर से ज्वाइन करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जो है आर डिस्टेंस। फिर क्या करना था, ये दोनों एंड को ये पॉइंट के साथ कनेक्ट करना था। अल्फा बीटा क्या है, तो ये दोनों लाइन ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया ना, ये है अल्फा ये है बीटा, बराबर। अब ये दोनों साइड सेम ही होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो म्यू नॉट आई बाय 4πr, मैं लिख रहा हूं 2 साइन अल्फा, बीटा के बदले अल्फा लिख लिया, 2 कट कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा म्यू नॉट आई बाय 2πr साइन अल्फा, बराबर। मुझे ये साइड दी है ए, आर नहीं पता, आपको पता ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री का, बराबर ना। एंगल है मेरे पास, ये साइड है ए बाय 2 हाफ। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होगा ये भी नहीं पता। तो आप ये कर सकते हो, एंगल है इसकी ऑपोजिट साइड है एंड एडजेसेंट है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट 10 थीटा। तो 10 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड आर अपॉन ए बाय 2, 10 30 1√3, इसको सामने लेकर आओ तो ए बाय 2 इज इक्वल टू आर। तो ये आर आपको क्या मिला, ए बाय 2√3 मिला, बराबर, ठीक बेटा। तो अब मैं ये फॉर्मूला में आर पुट करने जा रहा हूं, बी है म्यू नॉट आई बाय 2πr, आर के बदले पुट कर रहा हूं ए बाय 2√3 एंड साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब हाइपो भी नहीं पता, कोई बात नहीं, आप cos 30 अप्लाई कर सकते हो, cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। मान लो ये x है, तो एडजेसेंट साइड क्या है, a बाय 2 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू a बाय 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 कट कर दो, तो x आपको मिलेगा a बाय √3। चलो, यहां पे मैं इसका यूज करने जा रहा हूं, क्या था यहां पे, साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड है ए बाय 2 एंड हाइपोटेनियस क्या है, ए बाय √3, तो ये ए कट हो जाएगा, बराबर। तो म्यू नॉट आई बाय 2 कट कर सकते हो आप, तो यहां पे बचा क्या, पाई इंटू ए
रूट थ्री डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर लेकर आऊं। चलो यहां पे टू को नीचे ला रहा हूं, रूट थ्री को ऊपर ला रहा हूं, तो रूट थ्री बाय टू, तो यहां पे आपको मिला थ्री म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए। ये तो है एक का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे तीनों वायर का होगा, मल्टीप्लाई बाय थ्री कर दो, बराबर ना। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे मिलेगा नाइन म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए। चलो सही है।